नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। विन ओवर एवरीडे बैटल्स द गीतावे, किताब को लिखा है भुवनेश प्रताप सिंह और शांतनु अग्रहरि ने। दोनों ही इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जरिए झारखंड में अलग अलग पदों और अलग अलग जगहों पर कार्यरत रहे। अपने अनुभव और जीवन दर्शन को गीता के मूल से मिलाकर इन्होंने भारतीय युवाओं के लिए एक शानदार किताब की रचना की है। किताब के मूल में युवाओं को, खासकर उन युवाओं के लिए लिखी गई है जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और जीवन के अगले पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए गीता के जरिए आम जीवन में लक्ष्य हासिल करना और हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के मूल मंत्र के साथ यह किताब उपलब्ध कराई गई है। हर परेशानी का हल गीता और उसके मूल में छिपा है। उसका ज्ञान हर किसी के लिए आवश्यक है। लेखक इस किताब के जरिए एक मार्गदर्शक की तरह युवाओं को राह दिखाना चाह रहे हैं। जैसे गीता में सारथी होकर भी उन्होंने पांडवों की विजय निश्चित कर दी है, वैसे ही लेखक यहाँ अपनी बात कहने में सक्षम दिख रहे हैं। अगर किताब के सार की बात करें तो हमें फिर से भागवत गीता और उसमें सुझाए मार्गों की ओर जाना होगा। श्री कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, वह संदेश पूरे मानव जाति के लिए उपयोगी है। अगर हम श्रीमद् भागवत गीता के कुछ ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करें तो कई कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। आप तनाव रहित जीवन का निर्वाह कर पाएंगे। नाम, पद, प्रतिष्ठा, संप्रदाय, धर्म, स्त्री या पुरुष हम नहीं हैं और ना ही यह शरीर हम हैं। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा स्थिर है और हम आत्मा हैं। आत्मा कभी नहीं मरती, न इसका जन्म है न मृत्यु। आत्मभाव में रहना ही मुक्ति है। परिवर्तन संसार का नियम है और यहाँ सब बदलता रहता है, इसलिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान आदि में एक भाव में स्थिर रहकर हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। अपने क्रोध पर काबू रखें। क्रोध में भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है, इससे स्मृति का नाश होता है और इस प्रकार व्यक्ति का पतन होने लगता है। क्रोध, काम वासना और भय ये हमारे शत्रु हैं। अपने को भगवान के लिए अर्पित कर दो, फिर वो हमारी रक्षा करेंगे और हम दुख, भय, चिंता, शोक और बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अशांत मन को शांत करने के लिए अभ्यास और वैराग्य को पक्का करते जाओ, अन्यथा अनियंत्रित मन हमारा शत्रु बन जाएगा। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। ये वो गूढ़ बातें हैं जो जीवन हमें सिखाता है। हर दिन यह कार्य हम किसी के साथ करते हैं, यही जीवन है और यही सत्य है। इन सभी गूढ़ बातों के इर्द गिर्द यह किताब घूमती है, जिसमें युवा मन के गुण दोषों को परखने के साथ साथ उसके पूर्वग्रह को भी तोड़ने का कार्य यह किताब करती है। किताब पठनीय है और सभी लोगों को एक बार पढ़नी अवश्य चाहिए।